तो अब मुझे नहीं लगता कि अभी वरिष्ठ जो बीजेपी के जो वरिष्ठ लीडर हैं, लीडरशिप है, और इनको ये कोई कहीं मंत्री पद में बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को एक कैबिनेट मंत्री बनना चाहिए, एक अच्छा मंत्रालय उनको मिलना चाहिए। भजनलाल जी के शपथ ग्रहण समारोह में आदरणीय वसुंधरा जी, गजेंद्र जी, अर्जुन राम जी और सतीश पूनिया जी, राजेंद्र जी, सभी नेताओं ने एकजुट होकर मंच पर यह संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह राजस्थान में एकमुखी होकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं सवाई माधोपुर से सुनील जोशी। आज हम बात करते हैं किरोड़ीलाल मीणा को लेकर, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से MLA का चुनाव जीते हैं। यहीं पे उनका जो था वो मुख्यमंत्री के नाम में भी रेस में भी उनका नाम चला, तो डिप्टी सीएम के भी रेस में उनका नाम चला, लेकिन दोनों ही पद उनको नहीं मिल पाए। तो क्या अब किरोड़ीलाल मीणा को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा? हमारे साथ यहाँ के जो पत्रकारगण हैं वो साथ है, वहीं बीजेपी से जो जिला महामंत्री वो हमारे साथ है। तो हम सबसे पहले जिला महामंत्री चंपालाल जी, क्या किरोड़ीलाल मीणा का जैसे CM के उसमें भी था, डिप्टी CM में भी था, दोनों पद तो मिले नहीं, अब क्या मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने के जो संगठन में जिन्हें मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री घोषित किया है वो भी पार्टी के संगठन के हिसाब से ही आए हैं। रही बात किरोड़ीलाल जी की, किरोड़ीलाल जी पूर्वी राजस्थान के कद्दावर जनजाति के नेता हैं और उनको अगर भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में स्थान देती है तो निस्संदेह पूर्वी राजस्थान का भी विकास होगा, सवाई माधोपुर का भी विकास होगा और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है उसमें पूर्वी राजस्थान की सीटों पर विशेषकर फायदा होगा। जिस हिसाब से जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थे उनको भी नहीं दिया, जो कद्दावर जो नेता थे चाहे वो गजेंद्र शेखावत हो, जिनका मेघवाल का नाम, इनका सबका नाम चला, लेकिन उनके बावजूद सबको दरकिनार करके और एक नया चेहरा CM का भी यहाँ पर राजस्थान में लेके आए, तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी में कहीं आगे आने वाले समय में गुटबाजी दिखेगी? या अपन बात करते हैं किरोड़ीलाल जी के, अगर उनको भी अगर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करते हैं तो कहीं जो एक समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं मीणा समाज का पूरी राजस्थान में, आपके किरोड़ीलाल जी ने अच्छी सीटें भी जीत दिला पाई, तो कहीं इसका विरोध भी होगा? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। मैं और माननीय भजनलाल जी के शपथ ग्रहण समारोह में आदरणीय वसुंधरा जी, गजेंद्र जी, अर्जुन राम जी और सतीश पूनिया जी, राजेंद्र जी, सभी नेताओं ने एकजुट होकर मंच पर यह संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह राजस्थान में एकमुखी होकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अब लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, तो कहीं आप इस बात को मानते हो कि जो राजस्थान में जो सीटें वो जो बीजेपी के जो कद्दावर नेता कहते हैं कि अब की बार लोकसभा के अंदर पिछली सीटों से ज़्यादा सीटें आएगी, तो राजस्थान की जो पिछली सीटें थी क्या उसमें बढ़ोतरी देख रहे हो आप? नहीं, पिछली जो 25 सीटें थी, 25 की 25 आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाएगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी की नीतियों के आधार पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा और उसको जो लोक कल्याणकारी नीतियां केंद्र की उनके आधार पर आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी। तो ये थे बीजेपी के महामंत्री, ये इनका दावा है कि लोकसभा चुनाव में भी 25 के 25 सीटें जीती जाएगी। वहीं अगर किरोड़ीलाल के मीणा के लिए इन्होंने कहा कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए ताकि राजस्थान का और पूरी राजस्थान का चौमुखी विकास हो सके। आप एक सत्तू जी पत्रकार भी हो, पत्रकार के हिस्से से अपना एनालाइज क्या बताता कि जिससे किरोड़ीलाल मीणा का CM DTCM में नाम आया उसके बाद उनको नहीं मिला, तो क्या मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाएगा? क्योंकि आप काफ़ी टाइम से राजनीति को देखते हो। देखो, संभावनाएं कम लगती है क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व जो डिसीजन ले रहा है कि यूथ को वो आगे ला रहा है, तीनों छत्तीसगढ़ की बात करें, अपन राजस्थान की बात करें तो सब जगह यूथ को उठा के लाए हैं। राजस्थान में ले लो आप, पहली बार विधायक बने और पहली बार ही इनको CM का चेहरा इन्होंने यहाँ बना दिया। तो कुल मिलाकर जो सीनियर्स जो लीडर है बीजेपी की एक सोच है कि उनके जो सीनियर्स लीडर है उनको हटाकर वो युवाओं को, जो युवा नेता है इनको, उनको आगे लाएं और राजस्थान की राजनीति में भी यही हुआ। तो अब मुझे नहीं लगता कि अभी वरिष्ठ जो बीजेपी के जो वरिष्ठ लीडर हैं, लीडरशिप है, और इनको ये कोई कहीं मंत्री पद में बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा। आप भी एक पत्रकार हो, किस तरह से माधोपुर की राजनीति को देखते हो, क्या किरोड़ीलाल मीणा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल करना भी चाहिए। और देखिए, चुनाव के बाद से ही, जब से किरोड़ीलाल मीणा जी विधायक का जो चुनाव जीते हैं उसके बाद से ही ये हवा चल रही थी कि किरोड़ीलाल जी को CM पद मिलेगा और उसके बाद कुछ हवा ये भी चली कि उनको डिप्टी CM का पद दिया जाएगा,
लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों से इनको दूर रखा गया। और अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किरोड़ी लाल मीणा जी को एक अच्छा पद देना चाहिए, जिससे कि सवाई माधोपुर का भी विकास हो और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो सके। तो इंदिरा के ना लोगों की उम्मीदें पूरी हो सके और यहाँ का जो सवाई माधोपुर का विकास हो सके। आप किस तरह से, आपने पूरा चुनाव भी देखा है, पत्रकारी भी हो, तो किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति को लेकर, क्योंकि वो बीजेपी में भी पहले भी थे, फिर बीजेपी छोड़ी भी सही, फिर वापस अभी बीजेपी में आए, राज्यसभा सांसद अभी मौजूद में थे, अब विधायक का चुनाव जीता है, तो सीएम और डिप्टी सीएम तो उनको बनाया ही नहीं गया क्योंकि एक समाज की मांग भी थी, अब क्या मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाएगा? निश्चित रूप से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का राजस्थान की राजनीति में एक अलग ही कद है। और पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो पूर्वी राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपना एक अलग रुतबा रखते हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए और एक अच्छा मंत्रालय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मिलना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री की रेस में भी थे, उप मुख्यमंत्री की रेस में भी थे, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया है, और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस दौड़ से कहीं ना कहीं बाहर हो गए, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को एक कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए, एक अच्छा मंत्रालय उनको मिलना चाहिए, ताकि पूरी राजस्थान में उनकी पकड़ जिस तरीके की है वो मजबूत रह सके और लोकसभा में बीजेपी को इसका फायदा मिल सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से केंद्रीय नेतृत्व चल रहा है वर्तमान में, जो केंद्रीय नेतृत्व ने परिपाटी अपना रखी है और कहा यह जा रहा है कि 60 साल से अधिक के उम्र के जो नेता है उनको मंत्रालय नहीं दिया जाएगा, तो इसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगभग 72 साल के हो चुके, तो ये जो उम्र का जो तकाजा है वो उनके आड़े आ सकता है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि सवाई माधोपुर का नेतृत्व भी कैबिनेट में रहे और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को एक बड़ा मंत्रालय मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पत्रकारगण, इनके एक साफ राय कि किरोड़ी लाल मीणा जी को मंत्रिमंडल का में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सवाई माधोपुर का चौमुखी विकास हो सके। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, राजस्थान तक।